बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सिद्रास किचन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट तरीके से कीमा करेले की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत दिनों से मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कर ही दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके इंग्रीडियंट्स बताती हूँ, कीमा करेले बनाने की रेसिपी बताती हूँ। मैंने यहाँ पे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 kg मैंने करेले लिए हैं। करेले और इनके छिलकों को मैंने नमक लगा के 20 मिनट के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लिया। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ कप ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर करेले और उनके छिलकों को फ्राई कर लूंगी ताकि कड़वाहट खत्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे करेले लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूंगी एक बर्तन में। करेलों को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज टमाटर ऐड कर दूंगी और उनको अच्छी तरह से भून लूंगी। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए स्टीम पर रख दूंगी। मिनट का टाइम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये तमाम मसाला जात ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं करेलों को भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अब इस मसाले को मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। यहाँ पर हमारा करेला मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं कीमे को रेडी कर लूंगी। यहाँ पर मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड करके कीमे को भून लूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 tablespoon चिली सॉस ऐड कर दूंगी, ये चॉइसेबल है।
और इसके बाद मैं इसको 5 मिनट का स्टीम लगा दूंगी। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फीवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को याद से प्रेस कर दें। ऐसा करने से मेरी हर आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।